कैमरा इल्ला है। जो चल रही है उसमें जो इन लोगों का तकनीकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से किसान को बहुत लाभ होने वाला है और उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, बुवाई भी हम लोग कर रहे हैं। यह तमाम तरह की जो टेक्निकल बात बता रहे हैं इससे किसान की आय दोगुना हो सकती है और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बराबर सिंचाई की समस्या हो जाती है किसानों के लिए, गन्ना तो डाल देते हैं लेकिन सिंचाई की दिक्कत होती है। सिंचाई की समस्या इसलिए है कि हम लोगों के यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिसके लिए लोग तत्पर है कि हर किसान को जो है बिजली कनेक्शन मिल जाए। अगर बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा तो हम लोगों को बहुत ही लाभ होगा, तो इसके लिए भी मैं फैक्ट्री यानी समय से आप लोगों का जो है सिंचाई हो जाए। जी, समय से सिंचाई मिल जाए तो हम लोगों का जो है पैदावार दोगुना हो जाएगा और हम लोग अच्छे। पंपिंग से करने में क्या, पंपिंग से बुआई करने में डीजल का ज़्यादा महंगाई है, उसमें ज़्यादा खर्च आ जाता है, कम से कम 50,000 रुपये के आसपास किसान का जिसके पास 10 एकड़ गन्ना बोना है तो उसमें ज़्यादा खर्च आ जाता है, इसलिए ट्यूबवेल की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। इस पर सरकार से भी बात हो कि मतलब कुछ सुविधा मिल जाए किसानों के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। क्या नाम है? वीरेंद्र सर। शुगर फैक्ट्री सेवरही के जीएम का एक अनोखा पहल जो है अब देखने को मिलेगा, क्योंकि शरद ऋतु में जिस प्रकार गन्ने की बुआई होती है किसान को फसल काटने में दिक्कत होती है, पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है, तो ऐसे में इस एक प्रकार की तकनीक जो किसानों के लिए बताया जा रहा है तो इससे निश्चित ही किसानों को जो है लाभ मिलेगा और उनकी पैदावार में बढ़ोतरी होगी। दूसरी चीज़, एक अच्छी पहल ये भी देखने को मिल रहा है कि जो किसान जो पंपीसेट से जो अपना जो खेत की सिंचाई करते हैं अब उनको बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा, जिससे वो अपने खेतों को सिंचाई कर सकते हैं और अच्छे गन्ने की पैदावार उत्पन्न कर सकते हैं। शैलेंद्र गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कुशीनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।